विवेक ओबराय द्वारा शेयर किया गया एक मीम खूब वायरल हो रहा है, जिसने एक नए विवाद को तूल दे दिया है। विवेक ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया जिसमें एक फोटो कोलाज है। पहले में ऐश्वर्या सलमान के साथ नजर आ रही है, दूसरे में ऐश्वर्या की जोड़ी विवेक के साथ देखी जा सकती है, जबकि तीसरी तस्वीर में ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या और पति अभिषेक के संग है। इस मीम में एक जोक से जोड़ा गया है जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया है। इसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि विवेक ने ऐश्वर्या के निजी जीवन पर वार किया है। तमाम सेलिब्रिटीज और ट्विटर यूजर अपने विरोध जता रहे हैं। हालांकि इस पर विवेक की प्रतिक्रिया भी आ गई है और उनके नजरिए से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, साथ ही माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। ये तो रहा मामला, अब आइए जानते हैं ऐश्वर्या सलमान और विवेक के बीच की कहानी क्या है और असल में ये विवाद आखिर क्या था जिसने विवेक के करियर पर बुरा प्रभाव डाला। हम दिल दे चुके सनम वो फिल्म जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप की नींव रखी थी। संजय लीला बंसाली की इस फिल्म के साथ काम करते वक्त दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे और दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी फिल्मी गलियारों में गूंजी थी, मगर बाद में हालात एक जैसे नहीं रहे। कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि सलमान के सख्त रवैये के चलते ऐश्वर्या ने उनसे दूरी बना ली। साल 1999 से शुरू हुआ प्यार का ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला और साल 2002 तक आते आते ये रिश्ता महज एक दास्ता भर बनकर रह गया। इस कहानी में एक पहलू विवेक ओबराय का भी है। इसके बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबराय ने दस्तक दी। विवेक ओबराय उन दिनों युवा कलाकार थे और लोगों को पसंद थे। दोनों ने साथ में क्यों हो गया ना फिल्म में साथ साथ काम किया। इस दौरान दोनों के नजदीक आने की खबरें सामने आई, मगर ये खबर भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। अचानक ही विवेक ओबराय ने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से न सिर्फ उनका करियर ही तबाह हुआ बल्कि उनके रिश्ते सलमान खान और ऐश्वर्या राय दोनों से ही बिगड़ गए। विवेक ओबराय ने सभी को चौंकाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि सलमान खान ऐश्वर्या को डराते धमकाते हैं और दारू के नशे में उन पर फोन पर वार करते हैं। सलमान पर लगाए गए विवेक के इस आरोप पर सलमान की प्रतिक्रिया तो सख्त होनी ही थी, मगर ऐश्वर्या के साथ भी विवेक रिश्तों में दरारें आ गई। सलमान बुरी तरह से विवेक से खफा हो गए और उन्होंने विवेक से कभी बात नहीं की। हालांकि अपनी गलती का एहसास होने पर विवेक ने सलमान से माफी मांगी और आज तक मांगते आ रहे हैं, मगर सलमान अपने डिसीजन पर अड़े हैं। वहीं ऐश्वर्या की दूरी अभी विवेक संग हमेशा हमेशा के लिए बढ़ गई और ऐश ने विवेक संग ब्रेकअप कर लिया। ऐश ने अपने जीवन में आगे बढ़ गई। साल 2007 में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने शादी कर ली। इस शादी से उनकी आराध्या नाम की बेटी भी है। मामले की बात करें तो इस पर बच्चन परिवार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न ही सलमान की तरफ से कोई बयान आया है, मगर अगर ऐसा कुछ होता है तो विवेक की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।